गर्भाशय में ऐंठन अर्थात यूट्राइन टॉर्शन क्या एवं कैसे। इस स्थिति में पशु के गर्भाशय में ऐंठन हो जाती है। यह ज्यादातर गर्भावस्था के आखिरी महीनों में या ब्याने के समय होता है। पशु के अचानक गिर जाने या चिकने फर्श पर फिसल जाने के कारण भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गर्भाशय में भ्रूण तरल की कमी, भ्रूण द्वारा तेज गतिविधियां, कैल्शियम की कमी, गर्भाशय पेशियों में कमजोरी, लटका हुआ पेट आदि भी इसके कारण हो सकते हैं। लक्षण। पीड़ित पशुओं द्वारा ब्याने के समस्त लक्षण प्रदर्शित होने के पश्चात भी ब्याने की संभावना न होना, पीड़ित पशुओं में अपने पेट को लात मारने जैसे उदर पीड़ा के लक्षण, कब्ज, जुगाली न करना, बेचैनी, आकुलता आदि पाए जा सकते हैं। योनि एवं गुदा विधि से परीक्षण करने पर गर्भाशय में ऐंठन का पता चलता है। गर्भाशय से शिशु के निकलने का रास्ता बंद हो जाने के कारण कष्टमय प्रसव की समस्या हो जाती है। पशु कभी कभी बच्चा निकालने के लिए असफल जोर लगाता है। अनदेखी करने से गर्भस्थ शिशु व मादा की मौत हो सकती है। उपचार। सर्वप्रथम पशु चिकित्सक द्वारा जांच करके गर्भाशय की ऐंठन की दिशा दाईं या बाईं ओर होने का पता लगाया जाता है। प्रभावित पशु को ऐंठन की दिशा में लिटाकर उसके आगे और पीछे के पैरों को अलग अलग बांध दें। रस्सियों के द्वारा उसे पीठ के बल झट से ऐंठन की दिशा में लुढ़का देने से ऐंठन प्राय ठीक हो जाता है। एक अन्य विधि के अनुसार एक लकड़ी का तख्ता लेटे हुए पशु के पेट पर रखा जाता है तथा तख्ते का दूसरा छोर जमीन पर टिका रहता है। तख्ते पर एक व्यक्ति को खड़ा करके रस्सियों के द्वारा पशु को धीरे धीरे पीठ के बल ऐंठन की दिशा में घुमाने पर भी ऐंठन प्राय ठीक हो जाता है। यदि इन सभी तरीकों से ऐंठन में सुधार ना हो सके तो उदर का ऑपरेशन कर ऐंठन को सुधारना जरूरी होता है। प्राय ऐंठन के कारण गर्भाशय में निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में ऐंठन सुधारने के बाद शिशु को खींचकर बाहर निकालना पड़ता है। उपचार की ये सभी विधियां पशु चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए। रोकथाम। गर्भाशय के ऐंठन की आशंका को कम करने के उद्देश्य से गर्भाशय के पेशियों की एवं स्नायु बंधनों की शक्ति को बढ़ाने के लिए पशुओं को नियमित रूप से क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण, कैल्शियम एवं फास्फोरस खिलाएं। गाभिन पशुओं को फिसलन एवं ढलान वाली जमीन पर नहीं चलाएं। पशु को रोजाना थोड़ा बहुत अवश्य घुमाएं जिससे उसका व्यायाम होता रहे।